जयपुर की चौमू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में हुई पति पत्नी की मौत का ये पूरा मामला और अंतिम संस्कार करने के लिए पार्थिव देह को घर से लेकर रवाना हुए हैं। घर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। शवों के घर पहुंचते ही घर परिवार में कोहराम मच गया था। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल, चीख पुकार मच गई थी। मृतकों के घर पहुंचे यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, विधायक डॉक्टर शेखामील बराला, साथ ही पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष श्याम शर्मा, छुट्टन यादव सहित अन्य लोग मौजूद। तो घर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। आतंकी हमले में हुई पति पत्नी की मौत का मामला आपको बता दें, काफी जद्दोजहद हुई। पहले परिजन जो मांग कर रहे थे तो प्रशासन कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहा था, फिर काफी जद्दोजहद के बाद प्रशासन की सहमति बनी और लिखित आश्वासन जब परिजनों को दिया गया तो उसके बाद में अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, संविदा पर डेयरी बूथ मिलेगा, ये लिखित आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया। 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ, साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से भी 20 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। इससे पहले जैसे ही मृतकों के शव पहुंचे तो मुरलीपुरा, जयपुर और साथ ही चौमू लोगों ने नाराजगी जाहिर की, प्रदर्शन किया, फिर लंबी बातचीत हुई, समझाइश हुई और उसके बाद कहीं जाकर सहमति बनी। और फिर परिजन अंतिम संस्कार करने को राजी हुए और अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही मृतकों के शव पहुंचे तो परिजनों में चीख पुकार मच गई।